हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जेपीवाई आईएनआर के वीकली व्यू के बारे में। और जैसे कि आप टाइटल रीड कर सकते हो, अवर ऑल द टारगेट आर कम्प्लीटेड फॉर द जेपीवाई आईएनआर, हमारे सारे जो टारगेट है जो पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे वो सारे कम्प्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो उसके टारगेट क्या रहेंगे, क्या उसके सपोर्ट रहेंगे, वो हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आशा करता हूँ कि आपके काम में आएगा। और वो जो पिछला वाला वीडियो है उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो लिंक भी आप ओपन करके जो वीडियो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पहले उसके सपोर्ट के बारे में। तो जेपीवाई आईएनआर का जो पहला जो सपोर्ट है अब वो निकल के आ रहा है लगभग 0.6945 लेवल। फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एट अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, अब इतनी बड़ी जो चाल आई है तो यहाँ तक अगर जेपीवाई आईएनआर जो है वो करेक्शन करता है देन वी कैन कंसिडर एज अ नॉर्मल करेक्शन। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इफ जेपीवाई आईएनआर इज अ करेक्ट अप टू 0.6945 लेवल देन वी कैन कंसिडर एज अ नॉर्मल करेक्शन। यहाँ तक जो है वो एक करेक्शन हो सकता है। ओके, बट इफ जेपीवाई आईएनआर इज अ क्लोज्ड बिलो दिस प्राइस देन यू हैव टू टेक केयर एंड वी कैन सी द फर्दर सपोर्ट अप टू 0.6890 लेवल। ओके, अगर जेपीवाई आईएनआर जो है वो 0.6945 का जो लेवल है वो ब्रेक कर देता है तो आपको 0.6890 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड थर्ड एंड फाइनल सपोर्ट फॉर द जेपीवाई आईएनआर इज अ 0.6775 लेवल। ओके, इट्स अ फाइनल सपोर्ट एट अ क्लोजिंग बेसिस, मतलब कि अगर जेपीवाई आईएनआर जो है वो 0.6775 का जो लेवल है वो कट करके नीचे की तरफ अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है देन वी कैन सी वेरी शार्प करेक्शन इन द प्राइस ऑफ द जेपीवाई आईएनआर। ओके, तो ये तो बात कर दी हमने सपोर्ट के बारे में। आपको ध्यान में रखना है सपोर्ट नंबर 1 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ तक उसके ऊपर ऊपर अगर करेक्शन करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ट्रेंड जो है वो ऊपर का ही रहेगा। लेकिन अगर वो जो सपोर्ट है वो कट करके अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंड के अंदर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं उसके टारगेट के बारे में। तो नंबर 1 जो टारगेट है जेपीवाई आईएनआर के लिए वो है 0.7150 लेवल। ओके फ्रेंड्स, ये जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट टारगेट है, आपको ध्यान में रखना है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, मतलब कि जेपीवाई आईएनआर जो है वो अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करने का ट्राई करता है, ठीक है, यहाँ तक भी अगर जाता है तो भी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो लेवल है वो कट नहीं हो पाता। फिर से सुनना, अगर 0.710 का जो लेवल है वो कट नहीं हो पाता ऊपर की तरफ और सस्टेन नहीं हो पाता तो जो है हम थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं। अगर ऊपर चले जाता है, ऊपर क्लोजिंग हो जाता है 0.710 के ऊपर देन वी कैन सी 0.7200 लेवल। ओके, एंड थर्ड एंड फाइनल टारगेट इज अ 0.7325 लेवल। ओके, इट्स अ फाइनल टारगेट फॉर द जेपीवाई आईएनआर फॉर नेक्स्ट वीक अकॉर्डिंग टू माय चार्ट ट्रेडिंग एट क्लोजिंग बेसिस, मतलब कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये जो है वो एक फाइनल टारगेट है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो फिर आपको बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। इफ जेपीवाई आईएनआर इज क्लोज अबाउट दिस प्राइस 0.7325 देन वी कैन सी वेरी गुड अपर मोमेंट। ओके, तो कुल मिला के आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सपोर्ट जो है वो 0.6945 यहाँ तक आता है तो नॉर्मल करेक्शन है, अगर इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर 0.7150 का जो लेवल है
उसके ऊपर अगर नहीं जा पाता है, फिर से सुनना, 0.7150 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं हो पाता है तो भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर से फर्स्ट सपोर्ट के आसपास जो है वो आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो था वो मेरा पर्सनल व्यू था, मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा आपको, फिर भी अगर कुछ चेंज होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।